मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का कथित महंत नरसिंहानंद सरस्वती तो आपको याद ही होगा, वही नरसिंहा जिसके मन में मुसलमानों के खिलाफ जहर घुली हुई है, जिसके नजर में हिंदू महिलाओं का चरित्र इतना कमजोर होता है कि किसी भी ऐरे गैरे नथु गैरे के साथ भाग जाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं, जिसकी नजर में हर मुसलमान को बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है हिंदुओं का कत्ल करने की। ये वही महंत हैं जो बीजेपी की महिला नेताओं को वैश्या कहते हैं, ये वही नरसिंहा हैं जो मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ जहर उगलकर समाज में दंगा भड़काने की पुरजोर कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उसकी सारी पोल गाजियाबाद की पुलिस ने ही खोल कर रख दी है। दरअसल दिमागी तौर पर कंगाल हो चुके नरसिंहा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो 10 साल के नाबालिग बच्चे को उसके मुस्लिम होने की वजह से पुलिस को सौंपते नजर आ रहा है और दावा करता है कि मुस्लिम लड़का किसी बड़े हमले के लिए रैकी करने आया था, लेकिन बच्चे ने वहां आने की कुछ और ही वजह बताई, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद नरसिंहा के तमाम दावों पर कालिख पोत दी। पुलिस ने इस कथित महंत की ही पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्या कहा है यूपी की पुलिस ने और कैसे एक बार फिर नरसिंहानंद सरस्वती ने खुद की भद्द पिटवा ली, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। रविवार को सोशल मीडिया पर नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वो एक बच्चे को पुलिस को सौंपते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चे का नाम अनस सैफी है। नरसिंहानंद इस बच्चे को मंदिर में घुसकर उसकी हत्या करने की साजिश के तौर पर पेश कर रहा है। दावा करता है कि ये बच्चा उसकी रैकी करने आया ताकि उसकी हत्या की जा सके। नरसिंहानंद इन दिनों सुर्खियों से गायब हो चुके हैं, लेकिन उसने इस बच्चे का वीडियो बनाया और कहा कि ये मुसलमान लड़का है, आज रैकी करते हुए मंदिर के अंदर पकड़ा गया, किसी ने इसे थप्पड़ भी नहीं मारा है, लेकिन मैं पुलिस अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि ये बड़े हमले की तैयारी है, आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, मैं अपना संदेश योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये मेरी हत्या का प्रयास है। यहां पुलिस हिंदुओं पर पूरी दादागिरी दिखा रही है, ये बच्चे ट्रेंड कातिल हैं। आप भी देखिए इस वीडियो को। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहां आया है, हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआरए साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी, उन्हें बताना चाहता हूँ ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये बड़ी घटना की तैयारी है। अब दरोगा जी हैं, इसे लेके जा रहे हैं, दरोगा जी का नाम है सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी को हमने इसे दे दिया है, ना एक भी थप्पड़ किसी ने इसे मारा है यहाँ पे, ना किसी ने हाथ लगाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा, मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा, ये हमारी हत्या का प्रयास है, जिसे पुलिस, यहाँ पुलिस हिंदुओं पर पूरी दादागिरी दिखा रही है, लेकिन ये अंदर तक आ गया। और योगी जी को बताना चाहता हूँ, इतने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ, इसी उम्र के लड़के ये ट्रेंड कातिल हैं। तो देख लिया आपने इस मानसिक दिवालिए को। दरअसल बीजेपी की महिलाओं को वैश्या कहने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जो लोग कल तक इसका हर मामले में साथ दिया करते थे, अब वही लोग इसके खिलाफ चल रहे हैं। बीजेपी की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल के बाद इसके खिलाफ महिला आयोग ने केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन अब इसे कोई भी नहीं पूछ रहा है, इसलिए नई नई कहानियां गढ़ने के चक्कर में इसने एक मुस्लिम बच्चे को आने पर ले लिया। उससे ये काफी सवाल जवाब भी करता है। आप भी देखिए बच्चे से पूछताछ का वीडियो, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पुलिस ने किस तरह से नरसिंहानंद को नंगा कर दिया। क्या नाम है? पूरा नाम? पिताजी का नाम तुम्हारे? कौन से गांव से? यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपने भाभी को देखना आया। आटा, ये मंदिर है, मतलब यहाँ इस गांव में क्या करने आए हो? इस गांव में रहने आए हो? नहीं आया। किसके घर पे?
यहाँ पे उस्मान कॉलोनी घर के उस्मान के घर के पीछे नाले के पास। तुम्हारा घर है यहाँ पे? हाँ अपना घर। अपना घर है। दरअसल वायरल वीडियो में एक शख्स बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, यहाँ क्या करने आए हो, इस गांव में क्या करने आए हो, किसके घर पर तुम्हारा घर है यहाँ पर। इसके बदले में बच्चा जवाब देता है कि उसका नाम अनस है, उसके पिता का नाम अलीमुद्दीन है और वो अपनी भाभी को देखने आया है, वगैरह वगैरह। अब सुनिए कि पुलिस ने आखिर इस मामले में क्या कहा है। पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद द्वारा ट्विटर पर अनस के संबंध में अपलोड किए गए वीडियो की जांच की गई। तथ्य इस प्रकार पाए गए कि लगभग 10 साल के अनस सैफी पुत्र अलीमुद्दीन निवासी उस्मान कॉलोनी डासना है, जिसकी भाभी मोमिना पत्नी सलमान निवासी उस्मान कॉलोनी प्रेगनेंसी की अवस्था में मंदिर परिसर के बराबर में बने सीएचसी डासना में अपने इलाज के लिए आई थी। अनस यहाँ की भौगोलिक स्थिति का ज्यादा जानकार नहीं है, उसकी उम्र कम है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। मंदिर में काफी श्रद्धालु जा रहे थे, उन्हीं के पीछे गलत फहमी से मंदिर परिसर में अस्पताल का गेट समझकर घुस गया। अनस के बताए अनुसार उसके बयानों का मिलान किया गया तो मोमिना और अन्य लोग सीएचसी डासना पर उसके इलाज के लिए मौजूद मिले। बच्चे के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु भी बरामद नहीं हुई है। तो इस तरह से इस तथा कथित पुजारी और स्वयं भू महंत यानी यति सिंहानंद सरस्वती की पोल खुद यूपी की पुलिस ने खोल दी है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यति नरसिंहानंद ने किसी मुस्लिम बच्चे को इस तरह से पकड़ा हो। इसी साल मार्च में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक शख्स लड़के का हाथ पकड़कर पहले उससे उसका नाम पूछता है, नाम सुनने के बाद उसकी पिटाई शुरू कर देता है। इसके बाद अगस्त में नरसिंहानंद का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहा था कि पहले मुस्लिम औरतें वैश्या होती थी, अब हिंदू। अपने एक वीडियो में वो बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कहता है, जिसके बाद लोगों ने महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से एक्शन लेने की गुहार लगाई। वो कुछ एक्शन लेती इससे पहले ही नरसिंहानंद ने रेखा शर्मा के लिए भी गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर देता है। यहां तक कहा कि क्या रेखा शर्मा गोबर खाकर पैदा हुई है। बाद में नरसिंहानंद के खिलाफ कई FIR हो गई। इसके बाद नरसिंहानंद ने माफी मांगी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतना बड़ा हिंदू समाज कैसे ऐसे लोगों को मंदिर का पुजारी बना देता है? एक गालीबाज शख्स कैसे खुद को महंत बताता है और लोग उसकी इज्जत करते हैं, जबकि ऐसे लोगों की जगह शांति प्रिय समाज में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही बहरूपीय संत और महात्मा बनकर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और नफरत की सियासत करते हैं। जब इनसे बीजेपी की महिलाओं के बारे में गलत बयान किए हैं, तब से ही बीजेपी के नेताओं ने इनसे दूरी बना ली है, जिसके बाद ये खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। इसकी हरकतों से अंदाजा लग रहा है कि ये शख्स खुद की जान का खतरा बताकर सरकारी सुरक्षा हासिल करना चाहता है, ताकि इसकी सियासी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए। और चलते चलते आखिर में नरसिंहानंद जैसों के लिए एक शेर बहुत मशहूर है, अर्ज किया है, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के हुए न उधर के, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।